हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? और घर बैठे आपका पढ़ाई का थोड़ा काम चालू होगा ऐसा सोच के हम यहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विस देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपके पढ़ाई का नुकसान ना हो इस कोरोना की वजह से। ओके, घर बैठे पढ़ाई कीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए हम जो सीख रहे हैं। अगर अंडरस्टैंड एक बार रीड देखने के बाद नहीं हो रहा है तो उस वीडियो को वापस एक बार देखिए। क्लियर? ओके, यहाँ पर हम लॉ ऑफ एक्सचेंज टॉपिक ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले वीडियोस में हमने लॉ ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट ड्रॉ करने का पार्ट देखा था, वही पार्ट वापस से कंटिन्यू होगा, बट उसमें एक नया इन्फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस होगा। यस, हमने ड्रावर ड्रावी ये दो पार्ट्स पहले देखे थे, दो पार्टीज। अब तीसरा इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं पे। तो पे जो है यहाँ पे अगर बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसे उस बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट में प्रेजेंट कहाँ पे करना है, ठीक, ये हमें देखना है। तीन क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, सो केयरफुली देखें। बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर आपके पास तीन पार्टीज है, ड्रावर, ड्रावी एंड पे, उस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे आ रहा है। क्वेश्चन में देखिए, प्रिपेयर बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रावर है बिपिन चंद कोठारी, नवीपेट बेलगाम, नेम एंड एड्रेस प्लेस, तीनों बातें अवेलेबल होती है। ड्रावी है करीम चंद पुनावाला, 338 महाराजा रोड, सोलापुर। और पे यहाँ पर केवल चंद सेठी, मुंबई। तो इस क्वेश्चन में पीरियड 2.5 मंथ्स दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी दिया रहेगा हमें वर्डिंग्स में लिखना रहेगा हमारे पास। अमाउंट भी अवेलेबल है, डेट ऑफ बिल भी है एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस भी है। क्लियर? क्वेश्चन ने पहले देखे थे उसी तरह से यहाँ पर वापस से क्वेश्चन सामने है आपके। चलो प्रिपेयर करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट। सबसे पहले मिडल में आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, इस डॉक्यूमेंट का नाम। आपके लेफ्ट साइड में आएगा ये जो ब्लैंक पेपर के ऊपर ड्रॉ हो रहा है, या स्टैम्प पेपर के ऊपर, करेक्ट, स्टैम्प पेपर के ऊपर। ये ब्लैंक पेपर के ऊपर ड्रॉ नहीं होता है, इसे लीगल एविडेंस अगर बनाना है तो इसे स्टैम्प पेपर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। तो आपके लेफ्ट साइड में स्टैम्प उस बॉक्स में लिखा जाएगा, पहले बॉक्स उसके अंदर आएगा फिर स्टैम्प। उसी के नीचे आपका जो बिल का अमाउंट है उस अमाउंट को शो किया जाएगा वापस एक नए ब्रैकेट में, एक नया ब्रैकेट वहां पर आएगा और उसमें लिखा जाएगा रुपीज 5400। तो लेफ्ट साइड। नाउ राइट साइड। राइट साइड में आपके पास ड्रावर का नाम और पता लिखा जाता है, तो है अवेलेबल। तो ड्रावर यहाँ पर बिपिन चंद कोठारी, पहले नहीं, उसके बाद आएगा उसका एड्रेस नवी पेज, और उसके बाद लिखा जाता है उसका प्लेस बेलगाम, ठीक, नेम एड्रेस एंड प्लेस, ऐसे तीन कंटेंट्स अलग अलग। अब ये जो ड्रावर है ये बिल कब ड्रॉ करता है उस दिन का डेट वहां पे लिखा जाता है, इट्स कॉल्ड डेट ऑफ बिल। तो डेट ऑफ बिल भी अवेलेबल है, उसी भी लिख देते उस नेम एड्रेस प्लेस के नीचे एग्जैक्टली 21 जनवरी 2019। राइट साइड कंप्लीट, लेफ्ट साइड कंप्लीट। अब नीचे आते हैं। अब नीचे हमारा मैटर जो बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा जाता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, बस बाकी तो क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रॉपरली कहां पे क्या लिखना है आपको अंडरस्टैंड हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैटर हम देखते हैं उसका स्टार्टिंग होता है पीरियड से, और पीरियड क्वेश्चन में दिया है 2.5 मंथ्स। अब 2.5 नंबर्स में नहीं लिखना है, उसे आपको वर्डिंग्स में लिखना है। सो 2.5 मंथ्स स्पेलिंग लिखा है इसका, 2.5 मंथ्स आफ्टर रीच पे। अब पहले फॉर्मेट में हमने ड्रावर एंड ड्रावी दो ही पार्टी से वहां पे लिखते थे पे टू मी ऑन माय ऑर्डर, मतलब थोड़ा सा चेंज। 2.5 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी वर्ड जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि पैसा मुझे मिलने वाला नहीं, पैसा तो उस पे को मिलने वाला है ना। तो उस मी एंड ई को निकाल के अब यहाँ पे लिखा जाएगा पे का नाम, ठीक। और 2.5 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू, यहाँ पर आएगा पे का नाम केवलचंद सेठी, कॉमा मुंबई, उसका नाम और
कथा इस फॉर्मेट में ही इंट्रोड्यूस हो जाता है, इस वर्डिंग्स में यह मैटर लिखे हुआ होता है। तो यहाँ पर मी निकाल के हम लोग स्प्रे का नाम लिखे और ही इज ऑर्डर, अब तक क्या था पे टू मी और माई ऑर्डर, अब क्या हो गया पे टू केवल चंद सेठी मुंबई और ही इज ऑर्डर, बाकी सब सेम होता है, मी की जगह पे उस पे का नाम आ गया और माय की जगह पे आ गया इज ऑर्डर। और ये रावी जिस दिन सिग्नेचर करेगा उस दिन का डेट वहां पे लिखा जाएगा, इट इज फॉर द डेट ऑफ जनवरी 2019 आकाश पाटिल शाहपुरी कोल्हापुर, नेम एड्रेस प्लेस तीनों है। रावी है जी अर्जुन नवी पीठ अंबेजोगा, पी मिसेस किरण पवार तुलजापुर, मिसेस किरण पवार याद रखिए मिसेस दिया, यहाँ पर थोड़ा सा माइनर चेंज रहेगा फॉर्मेट में क्लियर से, तो केयरफुली देखिए और आपको अंडरस्टैंड होगा कि कहाँ पे चेंज होने वाला है, वर्ड चेंज होगा। एक पीरियड है 60 डेज, ऊपर मंथ्स में दिया है, यहाँ पर डेज में दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अमाउंट है 9800 एंड डेट ऑफ बिल डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों भी अवेलेबल है। ठीक, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, मिडल में आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, तो सबसे पहले मिडल में बिल ऑफ एक्सचेंज, लेफ्ट साइड में स्टैम्प बॉक्स में लिखा जाता है, उसी के नीचे आएगा अमाउंट जो रुपीज में लिखा जाएगा उस बॉक्स के अंदर, रुपीज 9800, और राइट साइड में ड्रावर, सिर्फ ड्रावर, ड्रावर का नेम एड्रेस एंड प्लेस, तो ड्रावर का नाम पहले लिख देते हैं आकाश पाटिल, एड्रेस शाहपुरी, और फिर उसके बाद आएगा कोल्हापुर प्लेस, और ये जो बिल है ये बिल कौन से डेट में ड्रॉ होता है उस डेट का रिकॉर्डिंग यहां पर किया जाएगा, ये डेट मतलब डेट ऑफ बिल 23rd सितंबर 2017। ठीक, अब मैटर लिख देते हैं, मैटर का स्टार्टिंग कहां से करना है, पीरियड से, तो पीरियड कितना आपका 60 का स्पेलिंग आपको लिखना रहेगा एस आई एक्स टी वाई, 60 डेज आफ्टर डेट पे टू, अब पे है क्या, हाँ है, मिसेस किरण पवार, 60 डेज आफ्टर डेट पे टू मिसेस किरण पवार तुलजापुर, और हर ऑर्डर, देखो लास्ट क्वेश्चन में हीज लिखा था, यहां पे हर है,
चेंज किया पता हो गया क्लियर ओके वापस से देखते हैं 60 डेज आफ्टर डेट पेड टू मिसेस किरण पवार और उसका तुलजापुर भी लिख देते हैं मिसेस किरण पवार तुलजापुर और हर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 9,800 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव आगे का मैटर सेम होता है अब ये लिखा था ड्रावर ने तो ड्रावर सिग्नेचर करेगा तो ड्रावर का सिग्नेचर आएगा राइट साइड में आकाश पाटिल ओनली आकाश पाटिल सिग्नेचर बनाना नहीं मिडल में एक्सेप्टेड अब यहां पे थोड़ा सा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस की आगे ब्रैकेट में कुछ दिया है फॉर रुपीज 9,500 ओनली मतलब बिल आकाश ने तो ड्रॉ किया था 9,800 का बट अर्जुन उस बिल को एग्री नहीं हुआ उस अमाउंट को एग्री नहीं हुआ मतलब 9,800 या 9,500 होगा बट स्टैम्प पेपर के ऊपर तो 9,800 हमने ऑलरेडी लिख दिया था ब्रैकेट में भी वर्डिंग्स में भी अब उसे कट तो नहीं कर सकते स्टैम्प वेस्ट हो जाएगा नया बनाने की जरूरत नहीं है तो जब सिग्नेचर होता है ना तो वहां पर ड्रावी क्या करता है ब्रैकेट में उसे शो कर देगा कि कितने अमाउंट के लिए उसने एक्सेप्ट किया है ठीक तो मिडल में आ गया एक्सेप्टेड उसके नीचे आएगा 4,9,500 ओनली मतलब वर्डिंग कैसे हो गया एक्सेप्टेड 4,9,500 ओनली और फिर उसके बाद आएगा उसका सिग्नेचर जी अर्जुन और जिस डेट में वो सिग्नेचर करेगा उसका रिकॉर्डिंग भी यहां पर होता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 26 सितंबर 2017 जब भी ऐसा कोई चेंज होगा तो ये चेंज वो सिग्नेचर करेगा तब वहां पे शो करेगा और रुपीज 9,500 ओनली हमने लिखा है वहां पर एक्सेप्टेड के नीचे एंड लास्ट लेफ्ट साइड में आएगा टू यहां पर आता है ड्रावर का या ड्रावी का ड्रावी का ड्रावर का तो ऊपर हमने राइट साइड में लिख दिया अब आएगा यहां पर ड्रावी का जी अर्जुन नवी पेज अंग्रेजों का नेम एड्रेस एंड प्लेस तीनों बातें यहां पर आपको अलग अलग शो कर ओके अब ये हो गया पूरा कंप्लीट अब इसमें क्या चेंज है ये केयरफुल देखें इसमें 9,800 की जगह पे अर्जुन 9,500 पेमेंट करने हुआ है मतलब उसने कंडीशन डाली याद रखिए कंडीशन डाली अगर ऐसा कोई चेंज वो आपके बिल के फॉर्मेट में करता है मतलब उसने चेंज करने के बाद बिल एक्सेप्ट किया है विथ एनी चेंज ड्रावी एक्सेप्ट द बिल इट इज कॉल्ड क्वालिफाइड और कंडीशनल एक्सेप्टेंस हमने दो पार्ट देखे थे कंडीशनल एंड अनकंडीशनल पहले जो भी क्वेश्चन देखे उसमें हमने जो बोला ड्रावी ने उसे एग्री कर दिया तो उसे कंडीशनल अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस हो रहा है अनदर एक्सेप्टेंस बट हियर ड्रावी एक्सेप्ट द बिल बट विथ चेंज अमाउंट में चेंज किया उसने तो अगर कोई पार्ट में चेंज करता है अमाउंट प्लेस और पीरियड ये तीनों बातें हैं किसी ना किसी से चेंज अगर करता है तो उस एक्सेप्टेंस को बोला जाता है क्वालिफाइड या फिर कंडीशनल एक्सेप्टेंस इसने यहाँ पर अमाउंट में चेंज किया था तो ये डॉक्यूमेंट जो है इसे बोला जाएगा कंडीशनल या फिर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर अभी ड्रावर है ड्रावी है और पी है अगर आप उसे सॉल्व करके देखिए आपको डेफिनेटली अंडरस्टैंड हो जाएगा ये क्वेश्चन आप थर्ड नंबर का आपको सॉल्व करें ताकि आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया है अगर ड्रावर ड्रावी पी तीनों होते हैं तो क्या करना है अगर आप सॉल्व कीजिए प्रैक्टिस कीजिए आपका अंडरस्टैंड डेफिनेट